ग्वालियर शहर के पौष इलाके की बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट से पुलिस ने दलित नेता और उसके साथी को एक महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। सरोल थाना पुलिस को मंगलवार दोपहर कॉस्मो वैली में दो युवकों द्वारा एक महिला के साथ घिनौना कृत्य किए जाने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर थाना प्रभारी पप्पू राठौर ने जब मौके पर दबिश दी तो युवक और दो महिलाएं मौके पर मिली। पुलिस सभी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम मकरंद बोध, योगेश हंडौतिया बताए हैं। पुलिस के मुताबिक एक महिला आरोपियों से पूर्व से परिचित है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। ग्वालियर रेंज के आईजी राजा बाबू सिंह ने दोनों आरोपियों को पकड़े जाने की पुष्टि की है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में से एक मकरंद बोध दलित नेता बताया जा रहा है। मकरंद सम्यक समाज संघ दलित संगठन से जुड़ा हुआ है। जो मेरे को जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेप का मामला कायम हुआ है, जो पीड़िता है उनकी रिपोर्ट पे, और मुलजिम भी पकड़ लिए हैं, और आगे भी उसमें जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके मुताबिक प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। सर, सूचना ऐसी मिली है कि कोई अप्रैल का दंगा रहा था, उसमें दो अप्रैल का दंगा। मैंने कहा ना कि विवेचना में बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं जो शुरू शुरू में पता नहीं रहती। जो सारे तथ्य आएंगे उस सब के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जिस जिसमें वो लिप्त रहे होंगे, जिस तरह का भी अपराध उन्होंने किया होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शेंगे।